खबर राजधानी रायपुर से है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, राजीव भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारी सरकार का क्या मत है इस पर? जो शराब से आने वाली न्यूसेंस है उससे सारा प्रदेश झेल रहा है, तो हमारा मत है कि वो न्यूसेंस बंद होनी चाहिए। आगे उसका क्या प्रारूप होगा ये मुझे लगता है कि जो चुनी हुई सरकार है उसी को निर्णय लेना पड़ेगा। जो आपने नियमितीकरण की बात करी, 27% मेरे ख्याल से नियमितीकरण हुआ है, वेतन बढ़ाया उनका, और भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो संविदा पर जिस तरह से लोगों से काम कर, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, उनके लिए कोई ऐसा परिवेश नहीं है सामाजिक तौर पर जिससे कि आज नौकरी है कल को ना रहे तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन 27% वेतन बढ़ाना एक पहल है, मुझे लगता है कमान जब दोबारा से मिलेगी तो हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। दोनों चीजों में समन्वय, दोनों चीजों में बातचीत और ज्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। अनुज जी, मैं भविष्यवाणी नहीं हूं, लेकिन आपने कहा कि मैं करूं, तो मैं एक दावे के साथ बात कह सकती हूं कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले कहा था धान की खरीद पर, हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। बेरोजगारी भत्ते की बात हमने करके दिखाई। राजस्थान में 500 में सिलेंडर पूरे देश में नहीं मिल रहा, राजस्थान में मिल रहा है। 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना चल रही है। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट में हमने अपनी 5ों गारंटियों को पूरा किया, और तब पूरा किया जब केंद्र सरकार रोड़ा बनाती रही। तो कांग्रेस के वादों में और किसी और के जुमलों में यह अंतर है, और मैं आशा करती हूं कि आप लोग मेरी इस बात पे से सहमत होंगे। आपने भविष्यवाणी करी 2024 में मोदी सरकार नहीं बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, और ये विश्वास मुझे जनता के बीच में रहने से, उनकी बात सुनने से, उनकी विषमताओं को देखने से और सरकार की असंवेदनशीलता से समझ में आता है। एक भविष्यवाणी लेकिन जरूर करती हूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें बनने जा रही हैं। प्रियंका जी मेरी नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अदना कार्यकर्ता अपनी नेता के लिए कोई भविष्यवाणी करूं, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आधी आबादी का के हक की जो बात प्रियंका जी